नमस्कार, आज हम चर्चा करते हैं वात रोग की, गैस्ट्रिक, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोइंटाइटिस। यह समस्या पेट की है, लेकिन कैसे? असंयमित जीवन शैली के कारण, खान पान व्यवस्थित न होने के कारण। इसके लिए सिर्फ सिंपल सी यह बात देखी गई है कि गाड़ी यदि आपकी डीजल इंजन है और उसमें आप पेट्रोल डाल के चलाएं तो क्या होगा। ऐसे ही हमको प्रकृति ने एक ह्यूमन बींग्स को क्या बना करके भेजा, बाय बर्थ हम क्या शाकाहारी या मांसाहारी, मुझे क्या बना करके भेजा गया, जन्म के समय हम क्या थे, शाकाहारी थे या मांसाहारी थे? तो हम निश्चित रूप से शाकाहारी ही थे बाय बर्थ। अब धीरे धीरे हमने अपने आप को समाज के अनुरूप देख देख करके अपने आप को बना लिया, जो खान पान और संयमित जीवन शैली की ओर बढ़ गए, जिसके कारण से यह समस्या उत्पन्न हुई। दूसरा इसका एक और मुख्य कारण है वात रोग का। खान पान तो एक कारक है, दूसरा है स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल। जब भी कभी भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए तो आपका वात जनित समस्याएं बढ़ने लगती है, बिगड़ने लगती है। तो जितना कहा गया है, पहले तो कहा गया है आंत भारी तो माथ भारी, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को हल्का रखना, सॉफ्ट रखना जरूरी है, तो सिर आपका हल्का होगा। लेकिन उतना ही जरूरी है कि मानसिक रूप से आपको रिलैक्स रहना। एक छोटा सा सूत्र बतला रहा हूं, वात जनित रोगों के लिए भोजन करते समय खूब चबा चबा के खाएं, दांतों का काम आंतों से ना लें। भोजन करते समय पहला एक नियम आज से अभी से बना लें कि टेलीविज़न नहीं देखना है, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। आप देखेंगे उस समय जो भोजन को पचाने के लिए जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो स्लाइवा है, जो एंजाइम है, वो बढ़ जाता है, लार आपका बढ़ जाता है। लेकिन भोजन को पहले आप देखें, इसके स्वाद को लें, तभी वह जो लार जो है, जो स्लाइवा है, वह धीरे धीरे उसको बढ़ेगा। वह एंजाइम जब आएगा तो भोजन को पचाएगा, जब पचाएगा तो वात जनित बीमारी समस्या हो ही नहीं सकती। भोजन के आधे घंटे पहले पानी पी लें और 45 मिनट बाद पानी का सेवन करें, और भोजन के पश्चात कम से कम 15 से 20 मिनट तक वज्रासन में बैठें, थंडरबोल्ट पोज। भोजन के पश्चात कम से कम 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक वॉक करें धीरे धीरे। यह छोटे छोटे टिप्स आपको मुक्त करता है वात जनित रोगों से। लेकिन ध्यान रहे, भोजन करते समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग नहीं करना है, वह सबसे ज़्यादा आपके चित्त को बिगाड़ रहा है, बिगाड़ चुका है, जिसके कारण वह एंजाइम जो स्लाइवा है, जो पाचन का कार्य करता है, वह स्लाइवा कम बनता है। तो पानी के जरिए लोग भोजन को निगलते हैं या अलग से यूनिजाइम पीना पड़ता है भोजन को पचाने के लिए। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कैसे होगा? तो ज़रूरत है आपको इन सब नियम को पालन करने की, एक एक टिप्स को फॉलो करने की, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।